करनाल के तरावड़ी रेलवे स्टेशन पर अंबाला से दिल्ली की ओर जा रही रन थ्रू मालगाड़ी के पिछले बोगी के पहिए ट्रैक से नीचे उतर गए। बता दें कि जिसके कारण मालगाड़ी से 7 कंटेनर ट्रैक पर गिर पड़े हैं और रेलवे ट्रैक बाधित हो गया। वहीं इस हादसे की सूचना मिलने के बाद करनाल जीआरपी और सीआर और आरपीएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 4 बजे डाउन ट्रैक अंबाला से दिल्ली की ओर खाली कंटेनरों से लदी मालगाड़ी जा रही थी। जब मालगाड़ी तरावड़ी रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी तो मालगाड़ी के पिछली बोगी के पहिए ट्रैक से नीचे उतर गए। वहीं मालगाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि ट्रैक से नीचे पहिए उतर गए और उतरने के बाद भी ट्रेन करीब 1.5 किलोमीटर बाद रुकी, जिस कारण पिछली 4 बोगियों से 7 कंटेनर उछलकर रेलवे ट्रैक पर जा गिरे। इनमें से एक कंटेनर OHE लाइन के पिलर से जा टकराया, जिससे दोनों अप डाउन ट्रैक की OHE लाइन टूट गई और ट्रैक बाधित हो गया। हादसा होने के बाद सूचना GRP और RPF थाना प्रभारी को दी गई। इसके तुरंत बाद करनाल से दोनों टीम में तरावड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इसी दौरान एक अज्ञात ट्रक ड्राइवर ने डायल 112 को फोन कर हादसे की सूचना दी। इसके बाद स्थानीय पुलिस भी रेलवे स्टेशन पर पहुंची और इसके बाद रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे ट्रैक से कंटेनरों को हटाने के लिए एक हाइड्रा मंगवाई गई है। ये मुझे सुबह 4:40 के आसपास मेरे कंट्रोल से पता लगा था कि तरावड़ी स्टेशन पर मालगाड़ी डेरेलमेंट हुई है। ये मालगाड़ी PLPC MDCC के लिए जा रही थी और इसके 8 बॉक्स गिरे हैं और 2 व्हील लाइन से उतरे हैं। अब इसकी जांच चल रही है, इसको पहले लाइन को ठीक किया जा रहा है। पहले लाइन एक लाइन क्लियर करके ट्रेनों का मूवमेंट चालू किया जाएगा, उसके बाद इसकी जांच की जाएगी कि क्या कारण से हुआ है। संबंधित डिपार्टमेंट अभी कुछ नहीं बता रहे हैं इसके बारे में। ट्रैक में करीब 3 किलोमीटर डैमेज है, पीछे 3 किलोमीटर से ट्रैक डैमेज है। अभी ठीक करने में इसे टाइम लग जाएगा अभी, लेकिन मैं एक लाइन अभी चालू कर देंगे जल्दी, उससे ट्रेनों का मूवमेंट चालू हो जाएगा। अभी कुछ नहीं कह सकता मैं, अभी कुछ नहीं कह सकता इसे।